नान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है मंगल हाट से, क्योंकि मंगल हाट में एक जो है गणेश के मूर्तियां बनाने वाली एसोसिएशन है, उन लोगों ने इस बात को लेकर आवाज उठाई है क्योंकि हुकूमत ने जो है इनको पीओपी के मूर्तियां बनाने से मना किया है। इसी बात को लेकर इन लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है और इन्होंने कहा कि 250 परिवार इस कारोबार से पलते हैं। वैसे भी जो है पीओपी की मूर्तियां बनाने से हमारे शहर में, हमारे स्टेट में एक पॉल्यूशन फैल रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत ने इनके ऊपर रोक लगा दी थी। इसी बात को लेकर ये एतराज कर रहे हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं मंगलवार और दिखाते हैं खास खबर। मैं राजकुमार सिंह, तेलंगाना लोक क्षेत्रीय गणेश मूर्ति कलाकार वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज बहुत ही गंभीर विषय है, सरकार द्वारा ये पता चला है कि प्लास्टर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणेश मूर्तियाँ नहीं बनाने देंगे। मैं परसों आरडी ऑफिस गया था, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर साहब से मिला था, तो उन्होंने कहा कि प्लास्टर से मूर्तियां नहीं बनाने देंगे। हम लोग जो आयरन यूज़ करते हैं स्टैंड के लिए, उसका भी उपयोग नहीं करना है, और कलर का जो पेंट हम यूज़ करते हैं उसका भी उपयोग नहीं करना है, इस पर मनाही है, ये बंद करना पड़ेगा, ये बैन हो जाएगा, और कुछ ऑर्डर भी हो गया है बोल के उन्होंने कहा है मुझे। तो मैंने उनसे ऑर्डर कॉपी मांगी, तो उन्होंने मुझे कुछ एक दो तीन दिन का समय मांगा है कि ऑर्डर कॉपी देंगे बोल। तो मैं आरडीओ साहब को कह चुका हूँ कि ये जो हमारा काम है मूर्ति बनाने का, धूलपेट को कला नगरी कहा जाता है, ये करीब 2500 से 3000 लोगों के पेट का सवाल है। एक तो हमारे धूलपेट में रोज़गार कम है, पहले जो दूसरे दो नंबर के काम थे वो भी सरकार बंद करा दे रही है। ये हमारा साफ सुथरा इज्जत का धर्म का काम है। धूलपेट से मूर्ति तेलंगाना के कोने कोने, आंध्रा के कोने में, तमिलनाडु के कोने में और महाराष्ट्र तक जाती है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये प्लास्टर पे बैन लगाना चाहते हैं तो अन्य राज्यों में भी, दूसरे राज्यों में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में प्लास्टर के मूर्तियाँ बनते हैं। प्लास्टर का उपयोग बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, घर में सीलिंग के लिए उपयोग होता है, टैंक मॉन्ड में विसर्जन नहीं करना है। टैंक मॉन्ड में विसर्जन करने से मछलियाँ मर जा रहे या प्रदूषण हो रहा, ऐसा पोल्यूशन बोर्ड और वाटर बॉडीज़ का कहना है। तो मैं वाटर बॉडीज़ और पोल्यूशन बोर्ड वालों से पूछना चाहूँगा, टैंक मॉन्ड में ड्रेनेज लाइन जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? ऐसे दूसरे भी कई पॉन्ड है, लेक से, जिसमें ड्रेनेज का, कंपनियों का प्रदूषित पानी जाता है, वो आप रोकते नहीं, उस पर मनाही करते नहीं? ये तो धर्म का काम है, इज्जत का काम है, हमारा वाइट काम है, कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कई लोगों का रोजगार पेट का मसला है, इसको जो ऐसा ऐसा बनाने नहीं देंगे, पीओपी बैन करेंगे, कलर को बैन करेंगे बोल के बोल रहे। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर टैंक बॉन्ड का पानी खराब हो गया था, हो रहा बोल के बोल रहे, कहीं सरकार पैसे है ना नाजायज के खराब कर रही है अलग अलग स्कीमों में, तो वहाँ पे जो पैसे खराब कर रही ना, यहाँ पे धर्म के काम में लेख साफ करने के लिए लगाई है। और मैं हमारे राजा सिंह भाई से, विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने परसों असेंबली ने कहा कि गणेश अगर प्लास्टर का बंद होता है तो हमारे मूर्ति कलाकारों को मट्टी दे दीजिए, कुछ 4 महीने के लिए जगह दे दीजिए। तो मैं पहले, सबसे पहले राजा भाई के उस बयान की निंदा करता हूँ। क्यों बोले तो उन्होंने हमसे कुछ मीटिंग नहीं ली, हमारे समिति से कुछ मीटिंग नहीं लिया, उन्होंने खुद अपने विचार असेंबली में रखे हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ हो गई है। तो हम प्लास्टर से जो ज़माने से मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं, हम मूर्तियाँ बनाते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। रही बात प्रदूषण की, पोल्यूशन बोर्ड या कलेक्टर साहब रहन दो या कोई भी अन्य विभाग रहन दो, अगर उनको पर्यावरण को कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो रही तो वो कुछ अल्टरनेट रास्ता निकालना चाहिए। हमारे रोजगार को ख़त्म हो जाना, ख़त्म कर देना, ऐसी कोशिश नहीं होना। क्यों बोले तो ये 3000 के ऊपर लोगों के परिवार का मामला है,
हमें वैसे कई काफ़ी दिक्कत आए, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, सब्सिडाइज लोन चाहिए, रॉ मटेरियल की दिक्कत रहती, हम कैसा कैसा पैसे लेके हम काम करते, ये हम लोगों की तकलीफ, हम मूर्ति कलाकारों को मालूम, सरकार तो कभी आके हमारे से कुछ हमारी तकलीफ पूछती नहीं, करती नहीं, हमारे कभी ना ये तेलंगाना सरकार या उससे पहले की भी कोई भी सरकार मूर्ति कलाकारों के लिए कुछ नहीं करी। ठीक है भाई, आप अभी तक कुछ नहीं करे ना, अभी भी कुछ मत करो, अभी आपसे हमारू कुछ आस नहीं है, लेकिन ये हमारे कारोबार को प्लास्टर से मूर्ति नहीं बनाना या दूसरी चीज़ों के ऊपर जो सख्ती लगा रहे, हम इसको नहीं मानते, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका खंडन करते हैं और ये हम हर किस नहीं होने देंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को और सभी विभागों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अगर ऐसा कुछ ऑर्डर अगर सरकार बनाना चाहती है तो तुरंत उसे रद्द की जाए, उसे नल एंड वाइट की जाए और ये हम ऑर्डर को नहीं मानेंगे, बिल्कुल हम चैलेंज करेंगे इसको, इस ऑर्डर को हम कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम वहाँ तक जाएंगे, हम धरने देंगे, हम कोई भी हमारे व्यापार से संबंधित, इस धर्म के व्यापार के संबंधित, इस इज्जत के व्यापार से संबंधित अगर कोई भी आड़े आता है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबका विरोध करेंगे, हम सबका खंडन करेंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।